किस जगह तेरा जलवा नहीं नहीं है।
आज यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आना चाहते हैं, बहुत से लोगों के पास बहुत सी जरूरतें हैं, हर कोई पाना चाहता है। यीशु मसीह के वक्त में भी बहुत से लोग पाना चाहते थे, बहुत लोग बिना मांगे पा चुके, पा गए, लेकिन बहुत लोगों ने, खुदा ने देना चाहा, फिर भी वो नहीं ले पाए, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहते थे, वो टूटना नहीं चाहते, वो अपनी खुदी का इनकार नहीं करना चाहते थे। यीशु मसीह देने के लिए है, उसने बाइबल में साफ वादा किया है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम मांगते ही नहीं हैं, इसलिए मिलता नहीं है, ढूंढते नहीं हैं इसलिए पाते नहीं हैं, खटखटाते ही नहीं हैं कैसे खुलेगा। आइए, आज की जरूरत यही है। बरकत वो लुटा रहे हैं, पाने वाला चाहिए। यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। कहीं और जा रहे हैं, किसी और को चंगाई देनी है, तभी एक औरत जो 12 साल से बीमारी में थी, वो चुपके से ये सोचती है कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगी, मैं अपनी बीमारी से अच्छी हो जाऊंगी। वो औरत आती है, चुपके से कपड़ा छूती है और वाकई चंगी हो जाती है। यीशु मसीह जान जाते हैं कि मुझे किसी ने छुआ, वो कहते हैं कौन है जिसने मुझे छुआ। वो औरत डरती और कांपती भी आती है और कहती है मैंने तुझे छुआ। यीशु मसीह बोलते हैं जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। अजीजो, वो औरत जिसकी बीमारी लाइलाज थी, वो उस बीमारी में अपना सारा रुपया गंवा चुकी थी, अब मुफ्त में चंगाई पाकर, अब मुफ्त में अच्छी होकर जब अपनी गांव में, अपनी गलियों में, अपनी बस्ती में गई होगी, उन हकीमों ने, उन तबीबों ने देखा होगा, लोगों ने देखा होगा, वो हैरत से पूछ रहे होंगे अरे तू कैसे अच्छी हो गई, तुझे किसने अच्छा किया। वो यही नहीं कह रही होगी, वो यही कह रही होगी यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार। एक बार एक और औरत जिना के वक्त पकड़ी गई, समाज के बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों ने उस पर तोहमत लगाई और यीशु मसीह की आजमाइश करने लगे और पूछने लगे हे उस्ताद, हमारी शरीयत में लिखा है ऐसी औरत को तो पत्थरों से मारना चाहिए, बता हम क्या करें। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, बल्कि जमीन पर बैठकर लिखने लगे और कहा तुम में से जो भी बेगुनाह हो वो पहला पत्थर मारे। एक एक करके सारे चले गए, किसी ने भी पत्थर नहीं मारा।
हमारा यीशु मसीह अकेला रह गया। उसने औरत से कहा, किसी ने तुझे सजा नहीं दी, जा मैं भी नहीं देता। वो औरत जब अपनी गलियों में गई होगी, अपने लोगों में गई होगी, अपने मोहल्ले में गई होगी, अपने अजीजों में गई होगी, वो लोगों से जब कह रही होगी, देखो मेरे गुनाह माफ हो गए, लोगों ने कहा होगा, तूने क्या करा, तू कैसे गई, उसने कहा जाओ तुम भी जाओ, लेकिन ऐसे यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार। एक फरीसी के घर में दावत थी। यीशु मसीह बैठे हुए थे, उसके चेले बैठे हुए थे। अचानक एक औरत, जो एक गली की नहीं, एक कॉलोनी की नहीं, बल्कि पूरे शहर की बदनाम औरत थी, वो अंदर आई। उसे किसी ने नहीं बुलाया था, वो किसी से कुछ नहीं बोली, वो घर के मालिक से कुछ नहीं बोली, वो लोगों से कुछ नहीं बोली, वो यीशु मसीह से भी कुछ नहीं बोली। चुपचाप आई, यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ गई, अपने आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी, अपने बालों से उसके पैर पोछने लगी। उस औरत से यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। घर के मालिक ने यीशु मसीह के ऊपर शक किया। उसने मनी मन सोचा, अगर ये आदमी रास्तबाज होता तो पहचान जाता कि औरत कौन है जो इसे छू रही है। यीशु मसीह जो मन की बातों का जांचने वाला है, उसने उससे कहा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है, कौन ज्यादा मोहब्बत करेगा, वो जिसका कम किया गया वो या जिसका ज्यादा माफ किया गया। वो बोला, जिसका ज्यादा माफ किया गया। इसलिए यीशु मसीह बोले, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इस औरत ने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया है। तूने मेरे गाल पर चूमा नहीं दिया, लेकिन इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा है। इसीलिए इसके गुनाह जो ज्यादा थे माफ हुए। मेरे प्यारों, जब वो औरत अपनी गलियों में गई होगी, अपने शहर के बदनामियों में पहुंची होगी, जो लोग उसे देखकर मुकर जाते थे, जो लोग उसे देखकर मुंह छुपा लेते थे, वो लोगों के सामने बड़े हियाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ कहती होगी, आओ देखो उस खुदावन को जिसने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया, तुम्हें भी माफी मिलेगी। लेकिन ऐसे जाना यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। 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 है सभी कुछ आपका, है सभी कुछ आपका, बस पा सको तो पाइए। है सभी कुछ आपका, पा सको तो पाइए। है सभी कुछ आपका, पा सको तो पाइए। कहाँ है वो जीवन की रोटी? आसमान पर नहीं है जो चढ़ के लानी पड़े, जमीन के नीचे भी नहीं है कि गहराई तक जाना पड़े। वो जीवन की रोटी जो मसीही है उनके घरों में तो है ही है, बल्कि समाज के और लोगों के घरों में भी वो जीवन की रोटी मुफ्त में दी जाती है। लेकिन मैंने और आपने उस जीवन की रोटी की कदर करना छोड़ दी है। इसीलिए मेरे और आपके बच्चे आज शाहरुख खान को तो जानते हैं कि वो कैसा है, लेकिन मेरे और आपके बच्चे ओबेद को नहीं जानते कि वो कौन था। मेरे और आपके बच्चे अजय देवगन को जानते हैं कि वो कैसा है, लेकिन मेरे और आपके बच्चे
ईशे को नहीं जानते, अब शालोम को नहीं जानते, अरे किसी को भी नहीं जानते। मेरे और आपकी लड़कियां आज नाओमी को नहीं जानती, मेरी और आपकी लड़कियां आज ओरपा को नहीं जानती, वो श्रीदेवी को जानती है कि वो कौन है, कैसी है, कैसे जानेंगी, क्योंकि ये नाम तो बाइबल के अंदर है और बाइबल जीवन की पुस्तक को मैंने और आपने पढ़ना ही छोड़ दिया। इसीलिए आज हमारे बच्चे उस कलाम को नहीं जानते और उनकी जिंदगियां बर्बादी की तरफ बढ़ रही हैं। आप बाइबल को सजा कर मत दिखा लो पर रखो, आप बाइबल को सजा कर मत दिखा लो पर रखो, है यही जीवन की रोटी, है यही जीवन की रोटी, खा सको तो जो हुक्म मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, घर में बैठते, राह में चलते, लेटते, उठते इनका बयान किया करना और इन्हें अपने हाथ पर निशान करके बांधना, ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें और इन्हें अपने घर के भीतर की बाजुओं पर और चौखों पर और दीवारों पर लिखना। अरे मेरे प्यारों, मैंने और आपने आज सब कुछ छोड़ दिया, इसीलिए आज वो बरकतें जो मेरे और आपके घरों में होनी चाहिए नहीं मिलती। करिए, है यही जीवन की रोटी, है यही जीवन की रोटी, खा सको तो खाइए, है यही जीवन की रोटी, खा सको तो खाइए। रखिएगा, अगर मैं और आप पिक्चर हॉल में बैठे हों और बगल की सीट पर मेरा और आपका दुश्मन आकर बैठ जाए तो क्या पिक्चर हॉल में जाना बंद कर देंगे, क्या पिक्चर से उठ के चले जाएंगे? अगर कहीं शादी में या पार्टी में खाना खा रहे हों, खाना चल रहा हो और बगल में दुश्मन खाने लगे तो क्या खाना छोड़ देंगे? नहीं। लेकिन जब इबादत की बात आती है, जब मीटिंग की बात आती है तो कहते हैं नहीं, हम आने ही जाएंगे, हमारी उनसे लड़ाई चल रही है, वो हमारी मिशन के नहीं है। अरे अजीजो, लड़ाई क्या होती है, मिशन क्या होती है? खुदा एक है, विश्वास एक है, बपतिस्मा एक है, बेटा एक है और आने वाला भी एक है। कोई भी हो, कैसा भी हो, है अगर इंसान वो, कोई भी हो, कैसा भी हो, है अगर इंसान वो, घर में उसके लेके बैबुल, घर में उसके लेके बैबुल, जा सको तो जाइए, घर में उसके
धर्मी पर भी सूरज उगाता है, अधर्मी पर भी सूरज उगाता है। धर्मी के खेत में भी बारिश होती है, अधर्मी के खेत में भी बारिश होती है। जब उसने सबको मौका दिया है, मैं और आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले, मैं और आप कौन हैं जो फर्क करते हैं। वो है हिंदू, वो है मुस्लिम, वो है पापी, वो पवित्र, वो है हिंदू, वो है मुस्लिम, वो है पापी, वो पवित्र। ऐसी बातों की दीवारें, ऐसी बातों की दीवारें, ढा सको तो ढाइए। फरिश्ते खुशी मनाएं और फरिश्तों को खुशी मनाते हुए देखकर मेरा और आपका खुदा खुश हो, और जब खुदा खुश हो तो मैं और आप जो मांगें वो पालें, तो ये काम करना पड़ेगा। चाहते हो कर फरिश्ते आसमां पर हो मगन, चाहते हो कर फरिश्ते आसमां पर हो मगन। आप यीशु में किसी को, आप यीशु में किसी को ला सको तो लाइए। आप यीशु में किसी को ला सको तो लाइए। आप यीशु में किसी को ला सको तो लाइए। अजीजो, मनादी करने की कोई उम्र नहीं हुआ करती, किसी को सीख या किसी को राह बताने के लिए उम्र नहीं हुआ करती। नामान कोरी को, जो आराम की सेना का सेनापति था, जो ताकतवर था, जो बहुत शूरवीर था, लेकिन उसको कोढ़ था, उसको किसने सलाह दी, किसने सलाह दी कि काश मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता, वो इसके कोढ़ को ठीक कर देता। आराम के सेनापति को ये बात लग गई, उसने अपने राजा बेनहदद से चिट्ठी लिखवाई इसराइल के राजा योराम के नाम। और जब राजा योराम को वो चिट्ठी मिली, उसने अपने कपड़ों को फाड़ा, अपने सर पर टाट रखा और उपवास करने बैठ गया, ये कहकर निसंदेह ये योराम के ये जो है आराम के राजा ने लड़ाई का बहाना ढूंढा है, मैं क्या खुदा हूँ जो इसके कोड़ को ठीक करूँ। तब खुदा के दास ने राजा से कहलवाया, अपने टाट को उतार, अपने उपवास को तोड़ और इसको मेरे पास भेज। जब आराम का सेनापति नामान उसके दरवाजे पर पहुंचा, तब उसने कहा, जा यर्दन में 7 डुबकी मार ले, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। और जब उसने अपने यर्दन में जाकर 7 डुबकी मारी, 7वीं डुबकी के बाद उसका जिस्म बच्चे की तरह कोमल हो गया, अरे उसका कोढ़ जाता रहा। मेरे अजीजो, जब वो एक छोटी सी लड़की, वो एक छोटी सी बंधुआ लड़की, वो एक कैदी लड़की एक सेनापति को राह दिखा सकती है, अरे दावे के साथ कह सकती है, मेरे खुदा के पास जाओ तुम्हारा कोर ठीक हो जाएगा। मैं और आप क्या एक छोटी सी बच्ची से गए गुजरे हैं, क्या उस गुलाम लड़की से गए गुजरे हैं? ऐसी बात नहीं है। आज से ही कोशिश करिए, कहिए लोगों से, आप यीशु में किसी को, आप यीशु में किसी को ला सको तो लाइए। आप यीशु में किसी को ला सको तो लाइए। आप यीशु में किसी को ला सको तो लाइए। Yeah.
खुदा का शुक्र है एक बार फिर आज की जरूरत जो है और जो आज की जरूरत आज के बाद भी बनी रहेगी लेकर आपके सामने है। और ये आज की जरूरत सिर्फ आज ही काम नहीं आएगी बल्कि उस दिन भी काम आएगी जब हमारा खुदावन बादलों पर सवार होकर अपनी उस दुल्हन को जो उसके कलाम से और उसके खून से सजी होगी लेने के लिए आएगा। फरिश्ते क्या है हर एक शय गा रही होगी जब बादलों पर मसीहा की सवारी आ रही होगी जब आएगा गर्दूं दहल जाएगा दहर पानी का नक्शा बदल जाएगा जब आएगा गर्दूं दहल जाएगा दहर बदल जाएगा और पूरा होगा लिखा सब कलामे खुदा पूरा होगा लिखा सब कलामे खुदा कौन कहता है वादा ये टल जाएगा पूरा से प्रेम किया खुदा ने जहान से इसमें कोई कौम नहीं है कोई धर्म नहीं है कोई ऊंच नीच नहीं है खुदा ने जहान से इतनी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मोहब्बत उसके जैसी कर नहीं सकता कोई चढ़ा सकते हैं सब सूली उठा सकता नहीं कोई खत्म जिस पर वफाओं का है इम्तिहान बेसहारों का दिल से जो है कद्रदान उसके सर पे जो दिल से झुकाओगे सर उसके दर पे जो दिल से झुकाओगे सर जिंदगानी का नक्शा बदल जाएगा उसके दर पे जो दिल से झुकाओगे सर जिंदगानी का नक्शा बदल जाएगा उसके दर पे जो दिल से झुकाओगे सर जिंदगानी का नक्शा बदल जाएगा।
भी और मुर्दों को भी जिंदा कर बैठे सारी दुनिया दुनिया रे सारी दुनिया दुनिया रे सारी दुनिया दुनिया रे सारी दुनिया रे सारी दुनिया रे सारी दुनिया सारी दुनिया खुदा के आगे घूम रही है चूम रही है सारी दुनिया दुनिया रे सारी दुनिया दुनिया रे सारी 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 दुनिया जो तौबा न करेंगे वो ये काम करने वाले हैं जो तौबा मरने वाले हैं सारी दुनिया दुनिया रे सारी दुनिया दुनिया रे सारी दुनिया दुनिया रे सारी दुनिया दुनिया रे सारी दुनिया। हेलो, अरे कहाँ घूम रहे हो? यीशु मसीह के पास चले आओ, यीशु मसीह के पास चले आओ। वक्त के हिसाब से तो हमें उस्ताद हो जाना चाहिए। सारी दुनिया के गम से सुकून पाओगे, नाम यीशु पे ही मां जो ले आओगे तो रहा हक जिंदगी वो देगा तुम्हें, रहा हक जिंदगी वो देगा तुम्हें। गम सदा दिल तुम्हारा बहल जाएगा, इस जमाने से कह दो ना छेड़े मुझे इस
बताइएगा वो कौन सा व्यक्ति था जिसके बालों पर कभी छुरा ना फिरने की आज्ञा दी गई थी, जिसने महज एक गधे के जबड़े की हड्डी से हजार आदमियों को मार डाला था, जिसने पलिश्तियों के खेत में लोमड़ियों की पूछों को बांधकर उनमें मशाले बांधकर उनमें आग लगा दी थी। वो बहुत वीर था, बहुत वीर। किले की दीवार पर लगे हुए फाटक को दोनों हाथों से तोड़कर खींच कर चलाया था। लेकिन बड़ा अफसोस, वो वीर व्यक्ति बड़ा मोम का दिल वाला था, बड़े मोम के दिल वाला था। एक जगह पलिश्ती औरत से मोहब्बत करने लगा, घर वालों से जिद करके शादी कर ली, फिर नाले में रहने वाली औरत से दिल लगा बैठा, उसके बाद एक वेश्या से दिल लगा बैठा, और इतना मोम का दिल हो गया कि उसने अपने भेद को, अपने राज को उस पर जाहिर कर दिया। उसके बाल कट गए, उसकी आंखें फोड़ दी गईं, और वो जेल में चक्की पीसने लगा। इसीलिए दाऊद भी एक बार मोम का दिल कर बैठा था, मोम का दिल कर बैठा था, छत पर से किसी की बीवी को नहाते हुए देख बैठा, और उसके बाद उसने उसकी बीवी को अपने घर में बुलाया, उसके साथ सोया, उसके आदमी को जान से मरवा दिया। खुदा को ये बात बहुत बुरी लगी। खुदा ने एक नबी के जरिए उसके पास संदेशा कहलवा दिया, और जो दाऊद बालकपन में शेर से नहीं डरा, जो दाऊद जब निहत्ता था गोलियत से नहीं डरा, वो दाऊद अपने बेटे अबशालोम से डर के मारे यरूशलम को छोड़कर भाग गया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मोम का दिल मत रखिए, ये बड़ा खतरनाक होता है, पता नहीं कब पिघल जाए। इस जमाने से कह दो ना छेड़े मुझे, मोम का दिल नहीं जो पिघल जाएगा। इस जमाने से कह दो ना छेड़े मुझे, मोम का दिल नहीं जो पिघल जाएगा। अब आखिर की बात है, अब भी तौबा करो, वक्त है आसियो, हर बदी से रहो दूर ऐ कातियो। अब भी तौबा करो, वक्त है आसियो, हर बदी से रहो दूर ऐ कातियो। क्योंकि बिगड़ी बन जाएगी, वक्त चल जाएगा, बिगड़ी बन जाएगी, वक्त चल जाएगा, नाम यीशु जो लब से निकल जाएगा। बिगड़ी बन जाएगी, वक्त चल जाएगा, नाम यीशु जो लब से निकल जाएगा। बिगड़ी बन जाएगी, वक्त चल जाएगा, नाम यीशु जो लब से निकल जाएगा। बिगड़ी बन जाएगी, वक्त चल जाएगा, नाम यीशु जो लब से निकल जाएगा। बिगड़ी बन जाएगी, वक्त चल जाएगा, नाम यीशु जो लब से निकल जाएगा। मर भी जाए ते मरदा
ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਾਇਆ ਸੂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰ ਮਰਦਾ ਨਾ ਯਸੂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਬੜਾ ਹੋਈ ਸੀ ਯਸੂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਬੜਾ ਹੋਈ ਸੀ ਯਸੂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਬੜਾ ਹੋਈ ਸੀ
पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा जिंदगी भर तेरे गीत
गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे, मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम यशायाह नबी की किताब में लिखा है 49वां बाब और 15 और 16 आयत में, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए, या जिसको उसने जन्म दिया हो उस पर तरस न खाए। परमेश्वर का वचन कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो मेरे और आपके लिए कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। इसी तरह यीशु मसीह ने भी यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 16वीं आयत में कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया ताकि बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो पिता से वो तुम्हें देगा। यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, मैं अंधेरे में था रोशनी 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 जाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, सैकड़ों मील दूर का सफर करते हैं, जने कहां कहां वनों में जंगलों में भटकते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता, भगदड़ मच जाती है, लाखों हजारों लोग एक मिनट के अंदर मर जाते हैं, जन्नत तो जन्नत अपना घर भी नसीब नहीं होता। जन्नत पाने का आसान तरीका बताते हैं, उसकी नजरें करम क्या हुई दोस्तों, उसकी नजरें उसकी नजरें करम क्या हुई दो
हमको जन्नत की सीधी, हमको जन्नत की सीधी गली मिल गई, 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 हमको जन्नत की सीधी जब रहम करेगा, जब हमारे पास पैसे हों, हम धनवान हों, दौलतवान हों, रूपवान हों, लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अजीब सा न्याय है, जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है, जब हम कमजोर होते हैं तब खुदा की कुव्वत हमारे अंदर काम करती है। मेरे यीशु ने ऐसा रहम कर दिया, मेरे यीशु हमको दोनों जहां की, हमको दोनों जहां की खुशी मिल गई, 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 हमको दोनों जहां की। आसियों को यहाँ, आसियों को यहाँ मखलसी मिल गई, 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 आसियों को गुजार हैं जबलपुर में रहने वाले जनाब जूलियस साहब के, जो सनी नाम से जाने जाते हैं, और ये कलाम उन्हीं का है। राह हक से न भटकेंगे फिर वो कभी, 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 राह
कभी पाक रू की जिने, पाक रू की जिने रहबरी मिल गई, 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 पाक रू की जिने। हर एक सवाल खुद अपना जवाब होता है, बुराइयों का नतीजा खराब होता है, जो बुरा करता है उसको सजा भी मिलती है, जख्म के साथ में फौरन दवा भी मिलती है। हर एक खाक के पुतले को खाक होना है, बदी को नेकी के हाथों हलाक होना है, बदी की तेज भी किस्मत बदल नहीं सकती, खुदा के सामने बंदों की चल नहीं सकती। खुदा वो है जो शरारों को फूल करता है, जमाना उसकी शिकायत फिजूल करता है। इसीलिए हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कठपुतली हैं, हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ। हमारी बात छोड़िए, आपको बाइबल में लेकर चलते हैं। दानियल नबी की किताब में तीन शख्स हुआ करते थे जिनका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो था। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक मूरत खड़ी कराई और कहा जो कोई इसको सजदा नहीं करेगा वो 7 गुना धधकाई हुई भट्टे की आग में डाला जाएगा। उन तीनों ने सजदा नहीं करा और उन्होंने कहा हे नबूकदनेस्सर बादशाह, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को सजदा नहीं करेंगे, हमारा खुदा इस आग से हमें बचा सकता है। और वाकई उस धधकते हुए भट्टे की आग में वो तीनों जने डाल दिए गए। उन तीनों जनों को डालने वाले तो जल गए लेकिन वो सुरक्षित बच के आए। उनके मोजों में भी जलने की बदबू नहीं थी, उनके सर के बाल भी नहीं जले। वो अगर ये नहीं कह रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे। हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ। एक नबी था जिसका नाम था एलिया। जिस देश में वो रहता था उस देश में अकाल पड़ा। खुदा की आवाज़ ने उससे कहा मैंने तेरे खाने के लिए इंतज़ाम किया है, तू किद्रोन नाम नाले के पास चला जा और वहीं पर रहा कर। वो वहाँ पर रहने लगा और अजीज़ो कलाम गवाह है इस बात का कि हर सुबह और शाम कौवे उसके लिए गोश्त और रोटियाँ लाया करते थे। कौवा एक लालची पक्षी होता है, वो
कैसी मेहनत से उस गोश्त को उठाया करता होगा, उस रोटी को उठाया करता होगा और चुपचाप से एलिया के लिए लाया करता होगा। हो सकता है रास्ते में उड़ने वाले कौवे उनसे कहते होंगे इसे खा लो, कौन सा एलिया देख रहा होगा, लेकिन वो कौवे चुपचाप अपनी चोंच में गोश्त और रोटी दबाए हुए चले आते होंगे और उनसे यही कहते होंगे, हम तो कठपुतली हैं, आगे हैं है। ठोकरों का लगना जरूर है, ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगें, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसके सबब से ठोकर लगती है। भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर गहरे समुद्र में डाल दिया जाता। पाप से हुआ पैदा है बदन ये इंसानी, ठोकरे लगे ना कभी, ठोकरे लगे ना कभी, है नहीं ये बस की बात, ठोकरे लगे ना कभी, है नहीं ये बस की बात, ठोकरे लगे ना कभी, है नहीं ये बस की बात, ठोकरे लगे है नहीं ये बस की बात। ये लिखा है पढ़ लीजिए, बंदा उसका गिर जाए, ये लिखा है पढ़ लीजिए, बंदा उसका गिर जाए, ये लिखा है पढ़ लीजिए, बंदा उसका गिर जाए, फिर से उठ खड़ा हो, खड़ा हो
सच की जीत होती है सच की खाती है बुराई आपकी बुराई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको लोग गलत समझ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आपको लोग बदनाम कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर सब आपसे नफरत कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, जब जबकि आप सच्चाई पर चल रहे हैं। यकीन जानिए, आज से पहले जितने लोग भी सच्चाई पर चलने वाले आए, चाहे वो किसी धर्म में भी आए, हर जगह सच्चाई पर चलने वालों की आलोचना हुई, उनको बुरा कहा गया, लेकिन आखिर में जब भी जंग होती तो सच की जीत होती है सच की खाती है बुराई मार जीत होती है सच की खाती है बुराई मार जीत होती है सच की खाती है रचित सुषमाचार के पांचवें अध्याय और छठे अध्याय में सारा अगर मैं और आप देखेंगे तो मुझे और आपको यही मालूम चलेगा, जो प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई उसमें भी यही कहा गया कि अगर तुम अपने कसूर करने वालों के कसूरों को माफ नहीं करोगे तो आसमानी बाप से भी बदले में माफी नहीं पाओगे। और यही मसीही धर्म की बुनियाद है कि हम अपने कसूर करने वालों के कसूरों को माफ करते हैं, क्योंकि ऐसा ही हमारे खुदावन यीशु मसीह ने भी किया था। अपने दुश्मनों के जो हैं कसूर वो देखो, अपने दुश्मनों के जो हैं कसूर वो देखो, अपने दुश्मनों के जो है कसूर वो देखो, माफ कर देती है, माफ कर देती है, ऐसी है मसीही जा, माफ कर देती है। खुदावंद यीशु मसीह का कोई दोष ना होते हुए भी उसको थप्पड़ मारे गए, कोई दोष ना होते हुए भी उसकी बेइज्जती करी गई, कोई दोष ना पाने पर भी उनको सजाए मौत दी गई,
कोई दोष ना होने पर भी उनके दाढ़ी के बाल खींचे गए, उनको सलीब पर चढ़ाया गया। और आप उस यीशु की मोहब्बत देखिए, सलीब पर चढ़ने के बाद भी उसने यही कहा, अय बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और यही हमारा मकसद है, यही हमारा मजहब है, यही हमारी मोहब्बत है, यही हमारा ऐलान है। माफ कर देती है, माफ कर देती है, ऐसी है मसीह। चले गए, कुछ लोग चिल्लाने लगे कि दाकरस को मिला नहीं। यह देखकर मरियम परेशान हुई और उसने जाकर यीशु के पास कहा कि उनके पास पीने को दाकरस नहीं। यीशु ने कहा कि मेरा समय अभी आया नहीं। मरियम ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही तुम करना। यीशु के कहने से दासों ने काम किया, पानी के छह मटकों को मुहा मुह भर दिया। यीशु के कहने से दासों ने काम किया,
पानी के छह मटकों को मुंह मुंह भर दिया। दासों ने एक दूजे से कहा अब क्या होगा, मन में ये सोचा सबने पानी से क्या होगा। दासों ने एक दूजे से कहा अब क्या होगा, मन में ये सोचा सबने पानी से क्या होगा। पानी ने जान लिया ये खाली की जुबानी, कैसे ना बदलूं मैं अपनी रवानी, कैसे ना बदलूं मैं अपनी रवानी, कैसे ना बदलूं मैं अपनी रवानी, अपनी रवानी, अपनी रवानी, अपनी रवानी। उस रात ने लिखी ये कहानी, उस रात ने लिखी कहानी, सुन लिया सुन लिया पानी ने, यीशु की वाणी नहीं की अपनी खुद की मनमानी। सुन लिया पानी ने यीशु की वाणी नहीं की अपनी खुद की मनमानी। यीशु ने दासों को फिर से आदेश दिया, खोज के प्रधान को पानी वो चखा दिया। यीशु ने दासों को फिर से आदेश दिया, खोज के प्रधान को पानी वो चखा दिया। जब खोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, पर वो नहीं जानता था कि कहां से आया है, तो खोज के प्रधान ने दुल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। दासों को ताजुब हुआ, मटकों में पानी था, ये तो यीशु मसीह का पहला चमत्कार था। यीशु के सेवा की ये तो शुरुआत थी, सारे चेलों के लिए ये अद्भुत बात थी। आना गांव में तो ये चर्चा फैल गई, यीशु प्रभु की वहां महिमा ये हो गई। आना गांव में तो ये चर्चा फैल गई, यीशु प्रभु की वहां महिमा ये हो गई, महिमा ये हो गई, महिमा ये हो गई, महिमा ये हो गई। वो रात थी बड़ी जलाली, वो रात थी बड़ी जलाली, सुन लिया पानी ने यीशु की वाणी नहीं की अपनी खुद की मनमानी। सुन लिया पानी ने यीशु की वाणी नहीं की अपनी खुद की मनमानी। मेरे प्यारे अजीजों, बहनों और भाइयों, आपने सुनी है दाखरस की कहानी। दिल से मन से सुन लो मेरे यीशु की वाणी। यीशु चाहता है हर दिन हर दम हम वचन पढ़े, यीशु चाहता है हम प्रार्थना स्तुति आराधना में आगे बढ़े, यीशु चाहता है हम सारे लोगों को सुसमाचार सुनाए, यीशु चाहता है हम पापों से श्रापों से सारे लोगों को छुड़ा, यीशु चाहता है हम बीमारों को बीमारियों से चंगा करें, यीशु चाहता है हम बेसहारों का सहारा बने, यीशु चाहता है हम भूखों को खाना खिलाएं, यीशु चाहता है हम थके मांदों की मदद करें। यीशु मसीह सबके जीवनों में बड़े बड़े चमत्कार करेगा और आशीष देगा और सबको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे।